अपने विवादित बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर इस बार मुगल शासन की जमकर तारीफ करते हुए नजर आए। नेहरू जयंती पर कार्यक्रम के दौरान मणिशंकर अय्यर ने मुगल शासन में हुए अत्याचारों की ऐतिहासिक बातों का खंडन किया और दावा किया कि मुगलों ने कभी देश में धर्म के नाम पर अत्याचार नहीं किया। मणिशंकर अय्यर ने मुगल बादशाह अकबर के शासन से तमाम दूसरे मुगल बादशाहों का उदाहरण देकर दावा किया कि मुगल शासन में कभी जोर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करवाया गया। मुगल शासन की तारीफ करते हुए मणिशंकर अय्यर ने कहा कि बीजेपी पर वो हमला भी करते हुए नजर आए और कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि सत्ता में बैठे लोगों को सिर्फ देश के 80% लोगों की चिंता है। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे कुछ लोग केवल हिंदुओं को ही मानते हैं और ये लोग सोचते हैं कि जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं वही भारतीय हैं और बाकी लोग गैर भारतीय हैं जिन्हें जब वो चाहे देश से निकाल सकते हैं। उन्होंने बीजेपी पर घृणा फैलाने और देश में लोगों को बांटने का भी आरोप लगाया। मणिशंकर अय्यर ने इस बात को खारिज कर दिया कि मुसलमानों की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। अपने तर्कों के समर्थन में मणिशंकर अय्यर ने बकायदा तथ्य पेश करते हुए मणिशंकर अय्यर ने पुरानी जनगणना का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि 1872 में देश में 72% हिंदू थे और 24% मुसलमान। कमोबेश ये संख्या अब भी वैसी ही है, इसलिए मुसलमानों पर जनसंख्या बढ़ाने के आरोप गलत हैं। 1872 में अंग्रेजों ने पहला सेंसस करवाया और उससे पता लगा कि 666 साल राज करने के बाद मुसलमानों का तादाद भारत में तकरीबन 24% का था और हिंदुओं का 72% का था। और ये कहते हैं कि नहीं, मारपीट हुई, सबको सब लड़कियों पर बलात्कार हुआ और इन्होंने सबको मुसलमान बना दिया। अरे मुसलमान बनते तो आंकड़े तो अलग होने चाहिए कि 72% मुसलमान होने चाहिए और 24% हिंदू होने चाहिए, लेकिन असलियत क्या था कि इतने ही थे। और इसलिए पार्टीशन मांगने के पहले जिन्ना जी का बस एक ही मांग था कि 30% हमें आरक्षण दीजिए सेंट्रल असेंबली में। उन्होंने ये नहीं मांगा कि हमें 80 दो या 90 दो, उन्होंने 30% मांगा और ये इनकार किया गया क्योंकि उनकी तादाद मात्र 26% की थी उस दिन। मणिशंकर अय्यर ने मुगलियन शासन की तारीफ में जमकर कसीदे भी पड़े। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों और मुगलों में बड़ा फर्क यह था कि मुगल इस देश को अपना मानते थे। मणिशंकर अय्यर ने बाबर की तारीफ करते हुए कहा कि बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को चिट्ठी लिखी थी जिसमें हिंदुस्तान के लोगों के धर्म में किसी तरह का दखल ना देने की बात कही थी और यही वजह है कि अकबर के शासन में धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होता था। मुगलों ने इस देश को अपना बनाया, अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, हम तो यहाँ राज करने के लिए आए हैं। बाबर जो थे, जिसकी औलाद हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग अक्सर मुझको नाम देते थे कि ये बाबर की औलाद है। अब इन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि वही बाबर भारतवर्ष आया सन 1526 में और उनका मौत हुआ सन 1530 में। मतलब वो भारत में मात्र 4 साल रहे, 4 ही साल। उन्होंने हुमायूं को बताया कि यदि आप इस देश को चलाना चाहते हो, यदि आप अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखना चाहते हो, तो यहां के निवासियों के धर्म में आप दखल न दीजिएगा। उनके बेटे अकबर, वो इस देश में पूरे 50 साल तक उन्होंने राज किया। और इसी को मद्देनजर रखते हुए जहां मैं मंत्री होने के समय रहता था, उस सड़क का नाम है अकबर रोड। और हमारा जो कांग्रेस का ऑफिस है वो भी अकबर रोड पर है। हमें तो कोई इतराज नहीं है, हम नहीं कहते हैं कि नहीं नहीं कांग्रेस हैं हम,
अकबर रोड पर हम कैसे रह सकते हैं, इसको आप महाराणा प्रताप रोड बना दीजिए। हमने कभी नहीं कहा, क्योंकि हम अकबर को अपना समझते हैं, हम उनको गैर नहीं समझते। और उनकी शादियां राजपूतों से होती थी, नतीजा ये कि जहांगीर आधा राजपूत थे और उनके बेटे शाहजहां 4 में 3 हिस्सा तो हिंदू था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।